तो चलिए शुरू करते हैं। रणथंभौर के अमरूदों के खेतों में मैं आया हूँ घूमने। देखो आपको दिखाता हूँ। बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कोई कल हो। बहुत खराब हालत है खेतों में। अरे कहना क्या चाहते हो? इधर ये क्या नाम है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आम और कैरी के पेड़, ये अमरूद का। अमरूदों के जंगल से निकल के कुछ देर चल के मैं आ चुका हूँ। ट्रेन आ चुकी है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गया तो मैं आ चुका हूँ ट्रेन की पटरी पे। ये देखो, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी मैं बीच में चला, उसके लिए आप कभी ऐसा मत करना। ट्रेन नहीं आ रही है, मैंने आगे पीछे देख के ये किया है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और मैं ऐसे ही घूमने के लिए आया था रणथंभौर, तो सोचा कि थोड़ा माहौल बन जाए। देखो आप जिधर देखेंगे उधर अमरूद और आम कैरी के ही पेड़ हैं। ये देखो आप, पूरा बगीचा अमरूद का है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इधर मेरे राइट साइड में ये देखो आप, इधर भी पूरा है बगीचा, ठीक है। और इधर ये पूरा, अरे कहना क्या चाहते हो, ट्रैक जा रहा है कोटा की तरफ और ये पूरा जा रहा है दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो थोड़ी दूर आगे चल के मैं आ चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। लोको पायलट कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए इस बोर्ड को पार कर खड़े हों। ये शायद पायलट के लिए लिखा होगा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आई मीन लोको पायलट या जो भी पायलट है इसमें ट्रेन को जो ड्राइव करते हैं उनके लिए होगा। और ये सिग्नल आ चुका है, रेड सिग्नल। ये देखिए, इसका मतलब अभी ट्रेन आएगी तो पता लग जाएगा। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रेन पटरी कैसे बदलती है, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये देखो ये ट्रेन ऐसे, ये मतलब यहाँ पे आके ट्रेन आ चुकी है भाई, बहुत तेज, और मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। ये ट्रेन निकल चुकी है। बहुत ही स्पीड से ट्रेन गई है। अब आप ये देखो, यहाँ से पटरी जो चेंज हो रही थी वो बात चल रही थी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखो ऐसे चार पटरियाँ होती है, दो मतलब उधर से, एक तो ट्रेन इस पे चलती है लास्ट वाली पे, ठीक है, और एक चलती है उस पे फर्स्ट वाली पे। तो ऐसे ये मतलब यहाँ पे ट्रेन पटरियाँ बदलती है और आगे भी ये प्रोसेस है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे मतलब क्रॉस में जब ट्रेन आती है तो उस पे पटरियाँ बदलती है, लेन चेंज होती है, ठीक है। बोला चल।
चले चलो जाके इलाज कराओ अपना। बहुत झंझट है ट्रेन चलाने में, मैंने कभी चलाई तो नहीं लेकिन झंझट मुझे चलाने वाले का लगता है। OMG ट्रेन कितनी फास्ट गई है आप मान नहीं सकते, पता ही होगा आपको ट्रेन कितनी फास्ट जाती है। नहीं ऐसे ये देखो ऐसे पटरी चेंज होती है यहाँ से, मतलब पूरा जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ट्रेन कैसे अपना रास्ता चेंज कर लेती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, मतलब भरोसा नहीं होता फिर भी करना पड़ेगा भाई, जो है जो है। ऐसे तो नहीं होता है। एक मालगाड़ी है यहाँ खड़ी है, ये मालगाड़ी मतलब मालगाड़ी का जो पीछे का डब्बा होता है, जो गार्ड होता है जिसमें हरी झंडी दिखाने वाला, वो है ये। अच्छा हमको सिखा रिया है, ये देखो आप। मैं चल रहा हूँ मालगाड़ी के पास, ये देखो, क्योंकि मुझे मालगाड़ी के पास चलना है, माल है। ए रहा नहीं जाता, मालगाड़ी के पास चलेंगे नहीं तो माल कैसे पाएंगे। खोल दूँ, सारा माल बाहर आ जाएगा अगर मैंने ये खोल दिया तो। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं मेरे को अभी सफर करना है, ये टायर दिखाता हूँ मैं, ये ट्रेन के टायर है। अच्छा हमको सिखा रिया है, ये ऐसे ट्रेन को जोड़ा जाता है, ये पुर्जे हैं ट्रेन के अंदर के, देखो टायर कितना बड़ा है भाई, मेरे को तो देख के डर लग रहा है, निकल लो। बहुत बुरी तरह हाफ चुका हूँ मैं, अब थक चुका हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल। अब ये ट्रेन रवाना होने वाली है, अभी जस्ट हॉर्न मारा है, देखते हैं। अब मैं स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ, आपको एक तगड़ी चीज दिखाता हूँ, अजीब चीज दिखाता हूँ जो कि मेरे नाम से जुड़ी हुई है, रेलवे स्टेशन पर देखो। ध्यान से देखना दीप, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। दीपक चंचल, मतलब मैं दीपक हूँ और चंचल का मतलब मैं रहता हूँ जिस जगह का नाम है, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
9 1 4 आगरा को सेक्टर के प्लेटफॉर्म क्रमांक